एक तरफ जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं पेट्रोल पंप कर्मी उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के माधव चौक स्थित वल्लभ चंद्र पेट्रोल पंप पर देखने में आया है, जहां एक बार फिर कम पेट्रोल डाला गया और मात्रा से ज़्यादा कीमत वसूली गई है। जवाहर कॉलोनी निवासी जुनेद खान ने अपनी पेशेंट गाड़ी में 150 का पेट्रोल डलवाया था, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल दिया गया। जिस पर उपभोक्ता को शक हुआ तो जुनेद ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से वापस पेट्रोल निकलवाया तो 1 लीटर से करीब पेट्रोल निकला, जबकि आज के बाजार मूल्य के हिसाब से करीब 1.5 लीटर पेट्रोल होना था। यह पहली बार नहीं है जब पेट्रोल पंप का कर्मचारी के द्वारा उपभोक्ता को ठगा गया हो। उक्त मामले में जुनेद खान ने प्रभारी कलेक्टर HP वर्मा के पास जाकर शिकायत आवेदन जमा किया है। इसके बाद ही प्रशासन का वही जवाब सामने आया है कि हाँ, हम जांच करवा लेते हैं। शिकायतकर्ता ने नापतोल विभाग से भी शिकायत करने की बात कही है। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आप खुद देख सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कितना पेट्रोल निकला है। 150 रुपए का पेट्रोल डाला था, अब पेट्रोल कितना निकला है? ये पूरा खाली है, ये पूरा भर गया था, थोड़ा सा उड़ गया। मैं गाड़ी चलाकर लाया था, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पेट्रोल था, फिर भी मैंने पूरा पेट्रोल टंकी में से निकलवाया कर न पाया। उसके बावजूद भी 1 लीटर पेट्रोल निकला है। 150 रुपए में था, मैंने 1.5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आना चाहिए था। मेरे साथ कितनी बड़ी ठगी की गई है। एक मैं थोड़ा अनुभव है तो मैंने चेक करवा लिया। यदि मैं चेक नहीं करवाता तो पता ही नहीं पड़ता। यदि मैं चेक नहीं करवाता कितने लोगों के साथ ठगी की जाती। इस पेट्रोल पंप पे आए दिन ठगी की जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और मामला बल्लभ चंद पेट्रोल का आपको देखने को मिला था। अभी प्रेजेंट कंडीशन में अभी मैंने पेट्रोल डलवाया, जान करके कि यहाँ से डलवा कर चेक किया जाए। 150 रुपए के पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल निकला है। गाड़ी में टलका कर तो लाया नहीं था। उसके बावजूद भाई जिसने पेट्रोल डाला, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो क्लियर कह रहा है मैंने 150 का पेट्रोल डाला था। भाई तूने 150 का डाला था, इसमें 100 का क्यों निकला है? उसके बावजूद मेरी गाड़ी का पेट्रोल जो था वो कहाँ गया? 30 रुपए का बंदे ने पहले दूसरे की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, वहीं से मीटर चालू करके 150 का कर दिया। 120 का तो पूरा निकलता। कितनी ठगी की जा रही है। ये पेट्रोल पंप को जागरूक करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, इस पेट्रोल पंप को सजा के तौर पर कुछ ही दिन के लिए सील करवाया जाए और इनको कड़ी निगरानी में जाँच करवाई जाए। क्या नाम है? जुबैर खान। क्या हुआ है आपके साथ? सर, मैं सुबह यहाँ पेट्रोल डलवाने आया था। जब मैंने 150 रुपए का पेट्रोल डलवाया, जब मुझे शंका हुई कि पेट्रोल कम है, तो मैंने उससे जांच का बोला, तो काफ़ी देर तक तो वो मशक्कत करते रहा कि कोई नहीं करवा रहा है जांच सही है। वो बड़ी देर बाद उसने जब मापा तो 150 रुपए में करीबन 1.5 लीटर पेट्रोल आना था, वहाँ मेरा 1 लीटर पेट्रोल निकला। उसके बाद आपने क्या किया? सर, कार्रवाई करने कई जगह गए, SDM साहब के पास गया। SDM साहब ने बोला 1-2 दिन और देखते हैं, किसी को भेज कर देखते हैं, फिर जांच करेंगे। उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया मेरे को। फिर मापतोल वाले का नंबर दिया गया चतुर्वेदी का, वो बोलता मैं खनियाद आने में उसका नंबर दे दूंगा। कोई भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। फिर उसके बाद अभी कहीं आपने और कोई? अभी मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने अभी कलेक्टर साहब छुट्टी पे, उन्होंने CEO साहब को उनको बोला है, तो उन्होंने आवेदन दिया है, उसकी पावती मुझे दी है। और ये जो पंप के वाले क्या कह रहे हैं? इनके पंप वाले कह रहे हैं हमसे गलती हुई है, गलती मानने को रेडी है, मगर ये पैसे देने को रेडी है। आए दिन किसी की भी साथ ठगी होती रहती है। आपका पैसा वापस करने भी? हमारा पैसा वापसी करने को रेडी है, मगर आए दिन हर किसी के साथ ठगी होती है। मैं था तो मैंने मापवा लिया, यदि कोई और होगा तो उसके साथ तो ठगी होती रहती है। 1.5 लीटर में आधा लीटर पेट्रोल की ठगी। सर, अभी ये बल्लभ चंद पेट्रोल पंप पर एक कम तोलने का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई? अभी चूंकि संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, मेरे द्वारा ये भी कहा गया है कि वो लिखित में आवेदन दे रहे हैं, उसकी हम विधिवत जांच करवा लेंगे। जांच करने के पश्चात जो भी जांच बोर्ड आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें पहले भी एक ठगी का मामला सामने आया था, पहले भी सर इसी पेट्रोल सामने कोई मामला नहीं आया, पहला मामला मेरे सामने आप लोग लाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।